मैं विद्रोही हूँ, मैं रोमन साम्राज्य के खिलाफ हूँ, मैं उग्रवादी हूँ, मैं रोमन साम्राज्य के कानूनों को नहीं मानता। मौका पड़ा तो और भी रोमन सैनिकों का कत्ल करने से नहीं चुकूंगा मैं। हाँ, मैं खूनी हूँ, याद रखना, मेरा नाम बरब्बस है, बरब्बस। हाथ पैर बांध दिया तो जबान चलने लगी, तेरी जुबान पे तो मैं खील ठोकूंगा। सब्र करो क्लॉडियस, सब्र करो, राजपाल पायलट का हुक्म आने तक अपने क्रोध पर काबू रखो। सबको मालूम है कि इसने एक रोमन सैनिक की हत्या की है और इसे क्रूस की सजा जरूर मिलेगी। तब पहली कील तुम ही ठोकना, चलो। बराबस को मौत की धमकी? मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं, ऐसी सर के पिल्लो। तेरा नाटक तो आज हम खत्म करेंगे, तुझे सूली पर मैं चढ़ाऊंगा। ये देख रहा है ना, तेरे हाथों पर कील पहले मैं ठोकूंगा। रोमन सैनिक पर थूकता है। मुझ पे थूका तूने? क्लॉडियस, छोड़ दो से। नहीं सुबेदार, नहीं क्लॉडियस के मेरा आदेश है, छोड़ दो से। क्लॉडियस, राज्यपाल का हुक्म है। क्या सुबेदार? ये तो पागलपन है। लगता है तुझे मारने का और कोई भयानक तरीका होगा। ये तो नाइंसाफी है। बराबर, तुम आजाद हो। आजाद? मैंने कहा था ना, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। इसके आगे एक लफ्ज नहीं बोलना।
और कब तक यहूदियों को मौत के घाट उतारते रहोगे तुम लोग? हमने तो अपने हाथ धो लिए बराबर। इसकी मौत के जिम्मेदार हम नहीं, तुम हो। मैं? मैं क्यों? ये रहा तुम्हारे क्यों का जवाब। क्यों जनेवन? बराबर कैसी हो? बराबर तुम वापस आ गए। मेरा बराबर वापस आ गया। हाँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें इतनी जल्दी देख पाऊंगी। तुम्हें पता है मैंने भी राज्यपाल के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा था मेरे बराबर को छोड़ दो, उस इशू को क्रूज दो। अच्छा बताओ तुम्हें भूख लगी होगी ना, क्या खाओगे? मैं तो तुम्हें खाऊंगा। वो तो बाद में। अच्छा चलो ना। हा? अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। आओ आज मैं तुम्हारे पसंद का खाना बनाऊंगी। देखा बराबर, आज तुमने एक नया जीवन पाया है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं नए कपड़े लेकर आई हूँ। अब तुम इन्हें जल्दी से पहनो और तैयार हो कराओ। अभी चलो ना, चलो चलो जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मेरा बराबर साहब सुरक्षित है? बिल्कुल, कोई शक है? खुद राज्यपाल पायलट ने बराबर के नाम माफीनामा दिया है और उस इशू को क्रूज पर चलाने का आदेश दिया है। मुझे उससे क्या करना है, मेरा बराबर तो अब आजाद है ना। आहा, क्या बात है। ये हुई ना नए जीवन की शुरुआत। चले चलो। अरे कहाँ चल दिए? आप खाने की तैयारी कीजिए, हम हलक की प्यास बुझाकर आते हैं। देखो जश्न की तैयारियां इतनी जल्दी ना करो, जब तक मौत के काले बादल सर से गुजर नहीं जाते तब तक छिपे रहो। आप चिंता मत कीजिए, हम यूं गए और यूं आए। हाँ बिल्कुल। मैं इन रोमन सैनिकों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, ये तुमसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगे। बराबर, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। सारा रास्ता खाली है, लगता है तुम्हारे आने की हाट सुन के डर गए कि बराबर आ रहा है। ए बुड्ढे, कहाँ गए मोहल्ले के सब लोग? इतने सालों से मैं अपने आप को कोसता था कि मैं अंधा हूं, लेकिन आज मैं खुश हूं। खुश? खुश तो हम भी हैं। मैं खुश हूं कि मेरी आंखें किसी बेगुनाह की मौत नहीं देखेंगी। ए अंधे,
पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता। सब यीशु को क्रूस पर चढ़ता हुआ देखने गए हैं। ओ, चलो हम भी चलकर मैखाने में थोड़ी चढ़ा लेते हैं। ऐ खुदाबंद, तेरा भी अपना एक तरीका है। एक तरफ कत्ल का गुनहगार शराब की तलाश में घूम रहा है, तो दूसरी तरफ एक बेगुनाह उसी की जगह मौत कबूल रहा है। उस बूढ़े की बातों में कहाँ आ गए? चलिए जनाब। नहीं नहीं, तो कहाँ जाना चाहते हैं? गोलगता की पहाड़ियों पर। गोलगता? तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं उन रोमन सैनिकों के सामने अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। तुम तो आजाद हो, ये यीशु तुम्हें ही मुबारक। मैं राज्यपाल पिलातोस ये बताना चाहता हूं कि रिवाज के मुताबिक फसह के इस यहूदी त्योहार पर रोमन अदालत एक कैदी को रिहा करे। हाल ही में मेरे सामने यीशु नासरी को इसलिए पेश किया गया कि उसने अपने आप को ईश्वर पुत्र कहा। मैं इस आदेश से यह जताना चाहता हूं कि यीशु से मुलाकात करके मैंने खुद जांच की और मैंने उसे पूरी तरह से निर्दोष पाया। लेकिन मेरा फैसला सुनने के लिए जमा हुए यहूदी धर्मशास्त्रियों ने मेरे फैसले को नकारा और जोर शोर से यीशु को सूली पर चढ़ाने की मांग की। इस आदेश से मैं ये भी जताना चाहता हूँ कि समझौते के तौर पर मैंने ये भी प्रस्ताव रखा कि भीड़ को शांत करने के लिए पहले यीशु की पिटाई हो और फिर उसे रिहा किया जाए। पर यह प्रस्ताव सुनकर यहूदियों की भीड़ फिर बह गई और फिर से यीशु को सूली पर चढ़ाने की मांग करने लगी। इस बहकी हुई भीड़ को सही और गलत का फर्क बतलाने के लिए मैंने और एक प्रस्ताव रखा। मैंने उनसे कहा कि या तो वे एक बेगुनाह को रिहा कर सकते हैं, या तो एक भयानक कातिल को सजा दे सकते हैं, या यीशु जो मसीह कहलाता है, या बराबस। मैं राज्यपाल पिलातोस ये फरमान जारी करता हूं कि यीशु को पूरी तरह निर्दोष पाने के बावजूद सिर्फ यहूदी प्रजा की मांग की वजह से यीशु को सूली पर चढ़ाया जाए और बराबस को बाइज्जत बरी किया जाए। नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं।
ओ बराबस, अब बताओ कौन है इसका जिम्मेदार? बराबस, बराबस, सब कुछ ऐसे का ऐसा ही है। बराबस यहां भी नहीं। बराबस क्या आप में से किसी ने बराबस को देखा है? हाँ, हाँ? इन अंधी आंखों ने देखा है। कहाँ, कहाँ देखा? कल शराब पीने को गया था, हो सकता है मैखाने की गलियों में पीकर पड़ा होगा। हाँ। लिया, लिया, क्या तुमने बराबस को देखा है कहीं? कब तक तुम्हारा मंगेतर आजादी से घूमता रहेगा? हो सकता है रोमन सैनिकों ने पकड़ लिया होगा। सच्चाई की तलाश में घूम रहा था,
कि वो कौन था और क्यों उसने मेरा क्रूस उठाया। लेकिन इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन एक सच्चाई है कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह को मौत की सजा मिली है। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? खुद रोम के राज्यपाल ने तुम्हें मौत की सजा से मुक्त किया है। बराबर सब तुम आजाद हो। तुम्हें एक नया जीवन मिला है। एक नया जीवन। नया जीवन? ये जीवन मेरे लिए व्यर्थ है। जिस क्रूस पर बरब्बस को चढ़ाया जाना था, कल उसी क्रूस पर बेगुनाह यीशु को चढ़ाया गया था। इसी जीवन की वजह से एक बेगुनाह को मौत की सजा मिली है। इसी जीवन की वजह से हमने तो अपने हाथ धो लिए बराबर। इसकी मौत के जिम्मेदार हम नहीं, तुम। एक तरफ कत्ल का गुनहगार शराब की तलाश में घूम रहा है, तो दूसरी तरफ एक बेगुनाह उसी की जगह मौत को भूल रहा है। हाँ मैं गुनहगार हूँ यीशु, मैं तेरा गुनहगार हूँ। तूने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे क्रूस को उठाया जो कील मुझे जल्दी करने थे वो तेरे हाथों में कर गए। जो दर्द मुझे झेलने थे वो तूने सहे यीशु। मैं गुनहगार मसीहा, मैं तेरा गुनहगार हूं। बराबर यकीन नहीं होता, मुझे पूरा यकीन है कि तुम तीसरे दिन मृतकों में से जी उठोगे। धन्य है वे जो मुझे बिना देखे यकीन करते हैं। तुम क्यों अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे हो? ये तो मेरे पिता की मर्जी थी कि मैं इंसान बनकर धरती पर आऊं और इस जहां के पापों का बोझ उठाऊं। सिर्फ मुझसे होकर मेरे पिता तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मसीहा। कल तक मैं एक विद्रोही था, उग्रवादी था, एक खूनी था। कल तक मैं अपने बाजुओं के जोर पर एक नए साम्राज्य का सपना देख रहा था। कल तक मैं कुछ और था, लेकिन आज कुछ और हूं। आज मुझे एक नया साम्राज्य मिल गया है, जहां प्यार, विश्वास, अमन और रहम ही सब कुछ है।
क्रूस इस नए साम्राज्य की निशानी है और इसी ने मुझे नया जीवन दिया है। हाँ, मैं फिर जन्मा हूं।